मित्रों नमस्कार मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा संचालक जीवन रक्षा फर्स्ट एड एंड रिसिसिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर जीवन रक्षा के माध्यम से अनेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने मैंने रखे हैं आज जो मेरा वीडियो है वो है फोमाइट्स फोमाइट्स क्या है और फोमाइट्स के वजह से किस तरीके से लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ मैं हरदम कहता हूँ कि कोरोना से हमें डरना नहीं है कोरोना से हमें लड़ना है अब लड़ने के लिए हमें सभी सेफ्टी मेजर्स मालूम चाहिए तो हमें तीन सेफ्टी मेजर्स तो बिल्कुल मालूम है एक है मास्क लगाना दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा है, है हैंड वॉश लेकिन इस तीन के बावजूद भी एक चौथी चीज़ है जिसके वजह से कोरोना हमारे घर में आ रहा है अब वो चौथी चीज़ क्या है तो चौथी चीज़ है फोमाइट्स फोमाइट्स मतलब हमारे घर में न्यूज़पेपर आ रहा है हमारे घर में सब्जी आ रही है हमारे घर में दूध के पैकेट्स आ रहे हैं हमारे घर में बाहर से जो भी वस्तु आ रही है उन वस्तुओं पर कोरोना के वायरस हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं अब आप कहोगे कि ये कैसे तो दूध देने वाला फल बेचने वाला सब्जियां बेचने वाला न्यूज़पेपर डालने वाला अगर ये लोग कोरोना से संक्रमित होंगे तो वो कोरोना का वायरस उनके ज़रिए से उस वस्तु पर हमारे घर में आएगा तो यहाँ पर हमें करना क्या है यहाँ पर हमें उन वस्तुओं को एक बेसिन में एक वॉश एरिया में ले जाना है और जिसे भी हम धो सकते हैं अब सब वस्तुओं को तो हम धो नहीं सकते लेकिन जिसे जिसे हम वॉश कर सकते हैं उन्हें लिक्विड सोप से अगर वहाँ पर हम गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं तो गर्म पानी से लिक्विड सोप से हाथ में दस्ताने पहनकर उसे हमें वॉश करना चाहिए और उसके बाद कुछ घंटों तक उन वस्तुओं को वैसे ही छोड़ दो और उसके बाद उन्हें आप यूज़ करिए अब ऐसे इसमें करंसी नोटें इनको तो हम धो नहीं सकते तो इन नोटों को आपको अगर आप किसी से पैसे एक्सचेंज में पैसे लेते हो या किसी से वस्तु खरीदने के बाद में उसके बदले में आपके बचे में पैसे आपको जब मिलते हैं तो उन पैसों को आप हाथ लगाते हो और उन पैसों के ऊपर अगर फोमाइट्स के रूप में वायरस होगा तो वह आपको संक्रमित कर देगा इसलिए वो पैसों को भी आप एक तो थैली में ले लीजिए या तो हाथ में दस्ताने पहनकर वो पैसे ले लीजिए और वो पैसों को आप एक पर्टिकुलर डिब्बे में या बैग में रख दीजिए उनको चार पाँच दिन तक आप हाथ मत लगाइए टच मत करिए उसके बाद आप उसको यूज़ करिए मित्रों फोमाइट्स के रूप में ये वायरस किस तरीके से हमारे हमें संक्रमित कर रहा है ये मैंने आपको बताया तो अभी हमको चार चीज़ों का पालन करना है एक है मास्क जिसमें मैंने आपको बताया सर्जिकल मास्क और फेस शील्ड राइट दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग ओके तीसरा है हैंड वॉश और चौथा है फोमाइट्स फोमाइट्स का भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बग़ैर घर से बाहर गए हम संक्रमित हो सकते हैं तो यहाँ पर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक करिए इसे सब्सक्राइब करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मैं पहुँचाते रहूँगा थैंक यू वेरी मच thank you